गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सो 10th क्लास बेटा, रिक्वेस्ट है, कल की वीडियो में हमने 7.1 एक्सरसाइज पे बात की थी और बेटा 7.1 में क्वेश्चन नंबर 21 पे बात कर रहे थे ना। अब आप लोगों ने किया नहीं किया, मैं एक बार इसको 21 को एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ठीक है। देखें जरा, एक्सरसाइज है, और हम किस पे बात कर रहे हैं बेटा, 21 पे बात, ठीक है। देखिए, 21 था आपसे कह रहा है बेटा सिद्ध के लिए साइन प्लस कोसेक होल स्क्वायर और इक्वल टू हमने क्या करा है, बराबर सिद्ध कीजिए 7 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपसे सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलएचएस ले लिया, प्लस कॉसेक ऑफ होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर। इसमें कौन सा फॉर्मूला मिलता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस बेटा क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक, इसका होल स्क्वायर करेंगे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर ए प्लस क्या होगा कॉस ए बेटा से, थोड़ा सा अरेंजमेंट साइन और कॉस को एक साथ लेके क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बेटा। ये जो टू साइन है उस साइन कॉस को हमने क्या लिख दिया 1/sin, ये जो हमारे पास टू कॉस है इसको लिख दिया क्या 1/cos प्लस, क्या बचा ओनली टू टर्म्स बचेंगे क्या cos स्क्वायर के प्लस क्या हो गया बेटा sin स्क्वायर। इधर उधर थोड़े से टर्म्स को किया, cos a से cos a कट गया, sin से बेटा sin a कैंसिल हो गया, क्या बचेगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया प्लस ये 2 हो गया प्लस ये 2 हो गया, बचा बेटा cos स्क्वायर a प्लस 2 प्लस 2 4 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, cos होता है cos स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, और sec स्क्वायर a को चूंकि हमें 10 में पुट करना है तो cos cot इसको चेंज किया cot कर दीजिए, 5 प्लस 1 6 तो कितना हो गया 7, 7 प्लस क्या हो गया 10 स्क्वायर ए टू कॉस स्क्वायर, सो एलएचएस इक्वल टू सो एलएचएस इक्वल टू बेटा आरएचएस, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 22 है, देखिए जरा। Thank you.
साइन की पावर 8 थीटा कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेकेंड वे वन माइनस टू साइन स्क्वायर इंटू क्या बेटा ठीक है। ये प्रूव करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा इसका हमने बायां पक्ष लिया तो बायां का साइन की पावर ए माइनस क्या हो गया कॉस की पावर एक बेटा इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4 थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक ब्रैकेट में क्या हो ए माइनस बी और दूसरे में क्या होगा बेटा ए प्लस क्या हो गया बेटा बी बेटा माइनस में ये तो पहला ब्रैकेट है इसको हम दोबारा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस में तो कोई फॉर्मूला हमारा सूत्र होता नहीं माइनस में दोबारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बेटा क्या होगा ए ब्रैकेट में आ गया साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर और दूसरे में क्या आएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस और इसको एडिटिस लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर और क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 1 होती है ना तो ये तो हमारे पास क्या हो गया 1 अब 1 का इससे इनटू करेंगे तो क्या हो जाएगा तो यही आ जाएगा यानी कि ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दूसरे ब्रैकेट में बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है आपको बता रखा है देखो जरा एक फॉर्मूला पहले लिखते हैं बाद में ये राइट करेंगे समझ लो बड़े देखिए क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए पहले भी यूज कर सकते हैं ये होती है ना कैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी ए बी को इधर डाल सकते हैं। तो देखिए जरा आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया 1 का किसी से इनटू करेंगे गुणा करेंगे तो बेटा वही आ जाएगा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर। बेटा इन दोनों ये ए की वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा बी की वैल्यू क्या होगी कॉस स्क्वायर थीटा उसको इस फॉर्म में चेंज कर दें तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा माइनस माइनस बेटा क्या हो गया टू साइन स्क्वायर थीटा आप समझ लो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एडिटिव से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 1 स्क्वायर माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर सो x एलएसएस इक्वल टू दाया और बाया पक्ष दोनों कैसे आ गए समाधान। तो इसका जो 23 क्वेश्चन है बेटा आपको करना है हर का परिमेयकरण करोगे वर्गमूल हट जाएगा और पांचवा हर को साइन कॉस में बदलेंगे आंसर आपका आ जाएगा हो जाएगा ये आप करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन
इसके 24 क्वेश्चन नंबर 24 पे बात कर रहे हैं। देखिए 24 क्वेश्चन कैसे होगा उस पर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कीजिए वन प्लस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा सेकेंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा sec cube minus cos cube sin equal to में क्या प्रूव करना है sin square into beta cos square। ठीक है कमांड। अरे जब कुछ भी समझ में ना आए तो हम क्या करते हैं पूरे फंक्शन को sin और cos में चेंज करेंगे। LHS लिए ले लिया और सभी को sin cos by sin ये क्या है sin by cos और दूसरे ब्रैकेट में sin minus cos। ठीक है समझ इसको भी बता देते हैं 1 by cos cube 1 by sin। बड़ा देखिए जरा इसमें इन सभी एक का एलसीएम क्या होंगे साइन इनटू कॉस तो साइन इनटू कॉस का वन से इनटू हो जाएगा क्या है साइन थीटा इनटू कॉस और क्या आ गया कॉस थीटा और क्या आ गया सेकंड ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया। डिनोमिनेटर की बात करें इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इनटू कॉस cos से cos कैंसिल क्या हो गया sin क्यूब माइनस क्या हो गया cos। इसके अब समझ लो ये sin से एक sin कैंसिल एक cos से cos कैंसिल जो बचेगा उसका कहां मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर में जाकर देखो जरा क्या बन गया समझ लो थोड़ा सा चेंज करते हैं sin माइनस cos को पहले इसको क्या लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस बेटा साइन थीटा कॉस और ये जब न्यूमरेटर में ऊपर जाएगा तो ऊपर बेटा क्या हो गया साइन स्क्वायर इनटू कॉस और बेटा नीचे क्या आ गया नीचे ओनली बचा क्या साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस। बेटा ये कौन सा फॉर्मूला है अभी आपने पूछा था a माइनस बी a ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे देखिए देखिए बेटा जब एलसीएम ले रहे थे तो देखो कोसाइन से साइन कैंसिल होगा क्या होगा कॉस स्क्वायर यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर ये बनेगा। बेटा कौन सा फॉर्मूला बन गया ये a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab किसका होता है a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस तो इसके प्लेस पे हम a क्यूब माइनस b क्यूब लिख सकते हैं तो a की वैल्यू क्या है sin क्यूब थीटा माइनस क्या हो गया cos और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा sin स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर क्या हो गया sin क्यूब माइनस cos ये दोनों सेम थे क्या हो गया कैंसिल आउट हो तो हमारे पास बचेगा क्या होगा ठीक है तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 24 था।
अब कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, अदर क्वेश्चन वी एक्सप्लेन ऑन नेक्स्ट डे ऑन नेक्स्ट वीडियो. ओके सो थैंक यू सो मच.